हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे पास आया एक टेम्परेचर मीटर जो कि मौसम का जानकारी ले सकते हैं कि कितना मौसम का टेम्परेचर है इस टाइम। तो यही इसमें चीज़ चेक होती है दोस्तों। तो इसमें क्या हो गया कि ख़राब हो चुका है। ख़राब क्यों, आपको वो भी दिखाऊंगा किस वजह से ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से इसमें अंदर सेल वगैरह लग रहा है। तो आपको दिखाता हूँ एक बार इसमें क्या दिक्कत हुई। देखिए दोस्तों, इसका ये ढक्कन खोलते हैं जिसके अंदर सेल लगता है। तो ये काफ़ी पुराना है जो कि हमारा मीटर है। कम से कम भी ये 2015-16 के अंदर हमने लिया था, जब हम मशरूम वगैरह काम करते थे, खुम्बिया वगैरह लगाते थे, तब ये मीटर लिया था। लेकिन अब हम लगाते नहीं है, तो काफ़ी पुराना मीटर है। तो हमारे यहाँ क्या क्या देखा, तो हमने इसके अंदर काफ़ी जड़ लगने के कारण सेल वगैरह ख़राब हो चुका है। तो इसको फटाफट खोल के देखते हैं इसके अंदर कोई नट वगैरह है कि नहीं है। और इसको सेल तो लगता नहीं है, अगर वैसे लगा भी सकते हैं इसके अंदर कोई आगे इसके अंदर लोहे वगैरह की पत्ती वगैरह डाके, लेकिन वो टेम्परेरी काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ बना हुआ है, क्या सामान है इसके अंदर। तो खोल के ही हमें पता लगेगा, फिर देखते हैं इसको चार्जिंग इसके अंदर बैटरी वगैरह डाल के, बैटरी वगैरह डाल के चलेगा नहीं चलेगा। तो इसलिए हम फटाफट इसको खोल लेते हैं दोस्तों। वीडियो कंप्लीट देखना, छोटी सी वीडियो होने वाली है 2 से 3 मिनट की। तो इसमें आपको जानकारी मिलेगी पूरी, इसको हम कैसे और भी कैसे इसको चालू कर सकते हैं अगर हम इसके अंदर सेल ना डले। तो देखिए इसके अंदर ये डिस्प्ले दी गई है, एक छोटी सी प्लेट है और बाकी 2 तारे दे रखी हैं जो सेल से अटैच होती हैं। तो इसके अंदर हम ना दूसरा सेल डालेंगे जिससे कि ये काफ़ी सही तरह काम करेगा। तो हमने देखिए अटैच कर लिया है सीधा, हमने प्लस की तार प्लस से लगा दी और माइनस की माइनस से लगा दी। और जो कि ये 600 mAh का सेल है दोस्तों, तो इसकी पावर भी बड़ी है और बाकी इसकी वोल्टेज है जो 1.7 है। बाकी दूसरे सेलों की जो होती है वो ज़्यादा होती है, जो फ़ोन वगैरह में लगाते हैं बैटरी उनकी ज़्यादा वोल्टेज होती है, इसकी 1.7 है। तो जैसे कि दूसरे सेलों की होती है, छोटे जो घड़ी वगैरह में लगते हैं, रिमोट वगैरह में लगते हैं। तो ये देखिए चल भी चुका है जो कि हमने इसमें तारे वगैरह लगाई है। तो इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर 16.3 दिखा रहा है जो कि है काफ़ी ठंड है काफ़ी बिल्कुल। तो ये ठीक हो चुका है दोस्तों, इसको फिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर फिट होएगा, क्योंकि ये सेल थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो छोटा सेल लगाते हैं वो काफ़ी बैटरी भी ज़्यादा खाता है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमने ये लगाया है 600 mAh का। इसको क्या हम दोबारा निकाल के इसके अंदर से दोबारा चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसको अब इसके अंदर रख के देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर रख के अगर ये फिट होता है तो यहाँ पे, तो डिस्प्ले में आप ध्यान से देख लेना, अगर ज़्यादा मोटा हो तो फिर मत लगाना, नहीं तो डिस्प्ले टूट सकती है। आपको लगे कि इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है तभी इसको फिट करेंगे। बाकी हमने चेक कर लिया है एडजस्ट हो रहा है इसके अंदर। तो इसको एक बार रख के दबा के देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए बिल्कुल ये दबाने के बाद इसके लॉक वगैरह फिट हो जाएंगे आपस में, क्योंकि नट है नहीं इसके अंदर। बाकी ये कंप्लीट चालू हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो सेल डाला था काम सही कर रहा है, किस तरह कर रहा है। तो इसको अच्छी तरह फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको साफ़ करना हो तो साफ़ भी कर लेंगे अच्छी तरह। बाकी हमने पहले से काफ़ी साफ़ कर दिया है और ये चालू भी हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा दे और ऑल पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।